नोट्रॉपिक्स क्या है, ये एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट। नोट्रॉपिक्स क्या है और कैसे हमारे ब्रेन को ये बूस्ट करते हैं। देखिए, हमारे ब्रेन को भी ताकत चाहिए होती है, हमारा ब्रेन बड़ा कमजोर है। हमारे ब्रेन में अगर बेसिक चीजें नहीं आती तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको नींद आ रही है, आपको लेक्चर करना है, आपको सर बोर कर रहे हैं, आप कहते हैं यार इतना बोरिंग पढ़ा रहे हैं सर, क्या करें, क्या फाइन पी लो, निकोटीन खा लो, तंबाकू, सिगरेट, ये सब पी लो, आपकी बुद्धि जागने लगती है। आपको क्या लगता है कि बच्चे पीते हैं वो शौक में पीते हैं? नहीं, जिंदा रहने के लिए जरूरी है कैफाइन और ये सब पीना। सर ये लोग इसलिए पीते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये पी लेंगे तो हमारी जिंदगी थोड़ी सुकून में रहेगी और हम बेहतर काम कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन हैव अ लॉन्ग बीन सर्चिंग फॉर अ मैजिक एक्सेलर टू मेक अस स्मार्टर एंड इम्प्रूव अवर फोकस एंड मेमोरी। दिस इंक्लूड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन यूज थाउजेंड ऑफ द ईयर्स एगो टू इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन। हमारे संज्ञानात्मक मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए बहुत सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, दशकों बीत चुके हैं कि हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं। कुछ चाइनीज मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंटली काम करते हैं। अब इन्हें आप गमीज हैं, च्युइंगम हैं, पिल्स हैं, स्किन पैचेस ऑनलाइन हैं, इन सबको आप सुपरमार्केट, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोल स्टेशन से ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। बट ये क्या सच में नूट्रॉपिक्स जो होते हैं ये ब्रेन को बढ़ाते हैं? हाँ, रोमेनियन साइकोलॉजिस्ट हैं और केमिस्ट हैं ये बोलते हैं कि हाँ भाई नोप्रोटिक्स जो है 1970s में कंपाउंड था जो मेमोरी को बूस्ट करता था। और ये ग्रीक वर्ड है नोस थिंकिंग एंट्रोपाइन गाइड, मतलब बिना सोचे विचार करना। नोट्रॉपिक्स जो है वो ब्रेन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, सिग्नल्स और नर्व सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं जो डैमेज नर्व सेल्स को नहीं होने देते और ब्रेन जो होता है वो बहुत प्रॉपर तरीके से काम करने लगता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैफाइन। आप सरप्राइज होंगे कि कैफाइन इज द न्यूकोटिक्स, नो वंडर हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्ट आवर डे विद अ कॉफी, इट स्टिमुलेट्स आवर नर्वस सिस्टम। अगर आप कैफाइन ईमानदारी से लेते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देता है, ये आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। ठीक है, कैफाइन इज रैपिडली अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ह्यूमन टिश्यूज में। दिस इंक्लूड ब्रेन, ब्रेन को अलर्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिएक्शन टाइम, मूड और जो भी हम फील कर रहे होते हैं उसमें हमें और एनर्जी मिल जाती है। कैफाइन टू हैव दीज इफेक्ट्स यू नीड टू कंज्यूम 32 to 300 मिलीग्राम इन सिंगल डोज। 32 से 300 मिलीग्राम आपको एक डोज में चाहिए, मतलब 2 रुपए वाली कॉफी एक घूंट में पी। ठीक, दिस इक्विवेलेंट अराउंड द 2 एक्सपोजर ऑफ 300 ग्राम डोजेस। सो वाई द वाइड रेंज? जेनेटिक वायरिएशन पर्टिकुलर जीन्स कैन इफेक्ट हाउ फास्ट यूर मेटाबोलिज्म इन कैफाइन। सो एक्सप्लेन, सम पीपल नीड मोर कैफाइन देन अदर्स, रिकॉग्नाइज एज द है ना न्यूरो स्टिमुलेंट इफेक्ट। कभी कभार क्या होता है कैफाइन लोगों को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। मान लीजिए जैसे मैं चाय कॉफी बहुत कम पीता हूँ तो अगर मैं कैफाइन लेता हूँ तो मुझे जल्दी असर करती है, मैं 5 मिनट में जाग जाऊँ। बट हो सकता है आप रोज कॉफी पीते हो, आपकी बॉडी जागेगी ना। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली टू मच कैफाइन कैन लीड एंग्जाइटी सिम्टम्स, पैनिक अटैक, स्लीप डिस्टर्बेंस, हेलुसिनेशन है ना, गट डिस्टर्बेंस एंड हार्ट प्रॉब्लम। भाई एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ज़्यादा कैफाइन लेते हो तो आपकी हार्ट की पल्स रेट बढ़ जाती है, धक होने लगेगा, तो ये धक ना हो इसलिए इनको लेने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद आता है लीथैनिनाइन। लीथैनिनाइन सप्लीमेंट है, च्युइंगम में आया जाता है, बेवरेजेस में आता है, सबसे कॉमन अमीनो एसिड है ग्रीन टी। ठीक है, कंज्यूमर लीथैनिनाइन सप्लीमेंट में इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अल्फा वेव्स इन द ब्रेन, देयर इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज अलर्टनेस एंड द परसेप्शन ऑफ कॉमनेस। इट्स इफेक्ट ऑन कॉग्निटिव फंक्शनिंग इज स्टिल अनक्लियर, वेरियस स्टडीज इंक्लूडिंग है ना कंपेयरिंग अ सिंगल डोज विद अ डेली डोज ऑफ द सेवरल वीक, डिफरेंट पॉपुलेशन शोज डिफरेंट आउटकम। बट टेकिंग लीथैनिनाइन विद कैफाइन एज अ सप्लीमेंट इंप्रूव कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। अगर आप ग्रीन कॉफी और ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी एक साथ देते हैं तो आपको लाभ जरूर करेंगे। कुछ स्टडीज कहती है इसको लेना चाहिए, कुछ कहती है नहीं लेना चाहिए। अश्वगंधा, अश्वगंधा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको खाने से बहुत हेल्प होती है। अश्वगंधा इंडियन आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है, अगर इसको आप लेते हैं तो आपकी लर्निंग पावर बढ़ाता है। अश्वगंधा को कुछ लोग अलग तरीके से लेते हैं, बट अश्वगंधा इज नॉट फॉर सेक्सुअल पावर एंड ऑल। अश्वगंधा जो है ये एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन, अश्वगंधा आपको बेसिक पावर देती है। अश्वगंधा शिलाजीत सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का काम नहीं करती, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, बट इसके भी डिसीजन मेकिंग अभी बाकी है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स करती है, सब कुछ करती है। कुछ अदर और कॉग्निटिव इंस्पायरमेंट में अश्वगंधा सप्लीमेंट जो है इसको अभी भी दिया जा रहा है, बट ये क्या शॉर्ट टाइम है, अभी हमें ये नहीं पता पार्टिसिपेंट्स को कितना फायदा मिले।
बट ये जरूर है कि अगर आप अश्वगंधा लेते हैं डेली एक कैप्सूल, ठीक है, पतंजलि के लीजिए 60-70-100 रुपए के 20 कैप्सूल्स होती हैं, 20 दिन चलेंगे, डेली एक खाइए, आपकी पावर तो बॉडी की बढ़ा देगा और लर्निंग पावर बढ़ा देगा। तो अश्वगंधा इज अ वेरी गुड मेडिकेशन। इसके बाद आता है क्रेटिनाइन। क्रेटिनाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इन्वॉल्व करता है कि बॉडी हमारी कैसे एनर्जी क्रिएट करेगी। रिव्यू इसका अनअवेलेबल है, लॉन्ग टर्म सप्लीमेंटेशन है। अनदर स्टडी कहती है जिन्हें फैटीग होता था कोविड के बाद, है ना, 4 ग्राम एक दिन में क्रेटाइन दिया गया है जो इनके लिए बेहतर हुआ। इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, कम फैटीग होता है, ये ब्रेन इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेंट स्ट्रेस को कंट्रोल करती है, तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद है। साइड इफेक्ट और क्रेटाइन सप्लीमेंट क्या है, रियली रिपोर्ट किया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीजें लीवर और किडनी पे करती है। इसको इन सबको छोड़ दो, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब है। लीवर और किडनी में प्रॉब्लम इसकी आती है, क्रेटिनाइन की बिल्कुल आती है। अगर क्रेटिनाइन खाने के साथ आप वाटर सप्लाई कम लेते तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। वेट गेन तो आपका करने का क्रेटिनाइन काम कर ही करता है, पर अगर आप इसे ले रहे हो और पानी नहीं ले रहे तो लीवर एंड किडनी में स्टोन जनरेशन का काम ये मेडिकेशन जरूर कर सकती है। अब एक गुड एविडेंस है ब्रेन बूस्टिंग का, कैफीन और क्रेटिनाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट अभी भी हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ की जानी चाहिए नोट्रॉपिक्स के लिए। बट हम अभी भी मानते हैं कि अगर आप कॉफ़ी डेली पी रहे हैं तो इसका हार्म कम है, ठीक है। और ये आप ले सकते हैं, एक मैजिक एक्सेलर है और आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा पावर देगा, जिससे आप चीज़ों को लर्न कर पाओगे, याद कर पाओगे, अपनी चीज़ों को प्रॉपर मैनर में कर पाओगे। इतना है आज के करंट अफेयर्स में, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। जिसको नहीं